महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के बैनर तले आयोजित मुफ्त सिलाई मशीन वितरण समारोह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो संजीवनी वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन SBI फाउंडेशन, NSDL व ग्रामीण विकास ट्रस्ट के संयुक्त पहल से उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि इसमें से एक मोबाइल मेडिकल वैन चंदौली और सोनभद्र के जनजाति क्षेत्र में जाएगी, जबकि दूसरी गोरखपुर के वनटांगिया, मलीन बस्तियों, मुसहर, थारू, बाहुल्य गांव तथा भारत नेपाल सीमा के सुदूर गांव में जाकर मेडिकल सुविधा प्रदान करेगी। इस मोबाइल मेडिकल वैन में अस्पतालों जैसी सभी सुविधाएं होंगी और इनमें डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, अवनीश अवस्थी, NSDL की MD पद्मा चंडोक, JK ग्रुप से अभिषेक सिंघानिया सहित अन्य मौजूद रहे। भैया थोड़ा सा वेरी गुड, ठीक है, धन्यवाद। ये नौगढ़ क्षेत्र में चलना है जैसा जी, बिल्कुल सर, सर डिस्ट्रिक्ट ओके चले, बताइए। मकर संक्रांति के और लोहड़ी के एक दिन पूर्व JK समूह के द्वारा और NSDL के तत्वाधान में आज दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक ओर महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए दो मेडिकल मोबाइल वैन के शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के भंडांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन दो पवित्र कार्यक्रमों के लिए JK समूह को, NSDL और SBI को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह